page number 33 and the name of the chapter is uses of computer students as you all know that computer computers are very important nowadays we have seen computers at different places and we did some work on computer also we know a little that how to use computer. and we all like to do work on computer. Computers can be used for a number of tasks. What does this line mean? Computers, Bohatsari task ke. Liye, यूज़ हो सकता है मीन्स बहुत सारे कामों के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है कंप्यूटर्स कैन बी यूज़ एट डिफ़रेंट प्लेसेस कंप्यूटर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्कूल्स ऑफिस बैंक्स हॉस्पिटल्स सुपर रेलवे स्टेशन्स एयरपोर्ट्स लाइब्रेरी ओके इन सारे कामों के लिए ये तमाम इन तमाम जगहों पर कंप्यूटर यूज़ होता है बहुत सारे कामों के लिए टुडे वी विल लर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स स्टूडेंट्स This chapter is on page number 33. You can read this chapter, start from page 33. But today we are going to revise this chapter in a new way. We will play a game, okay? And we will learn the names of different places and the use. ऑफ कंप्यूटर एट दैट प्लेस ओके सो वॉट इज दिस गैस द प्लेस हमें क्या करना है हमें जगह का नाम गैस करना है ठीक है ओके नाउ दिस इज पेज नंबर थर्टी नाइन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज Given in the last of your chapter number 4, page number 39, question number 1. Okay, let me zoom this. Okay, question number 1 Solve the crossword using the clues given below. These are the clues, and these are total eight clues. Okay, clues means hint. आपको हिंट दी हुई है और आपको उस सेंटेंस को रीड करके ये पहचानना है कि ये कौन सी जगह का नाम हमसे पूछ रहे हैं और जब आपको पता चल जाएगा तो ये जो बॉक्सेस आपके सामने दिए हुए हैं आपको इन बॉक्सेस में उस प्लेस का नाम लिख देना है ठीक है जैसे कि नंबर वन यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है वन का आंसर आप वन वाले बॉक्स में लिखेंगे ठीक है लेट मी शो यू ये देखिए जब ये नंबर वन सेंटेंस का आंसर हमें पता चल जाएगा तो हम इसका आंसर इन बॉक्सेस में फिल करेंगे जहाँ तक मैंने रेड लाइन मार्क की है यहाँ तक हम इसका आंसर फिल करेंगे दीज आर टोटल सिक्स बॉक्सेस ओके फिर उसके बाद यहाँ पर वन के बाद टू नहीं लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ है थ्री ठीक है जब थ्री का आंसर हमें पता चल जाएगा तो हम इन पजल में ढूँढेंगे कि नंबर थ्री कहाँ लिखा हुआ है और हम उसमें यहाँ पर उस प्लेस का नाम लिख देंगे देन कम टू नंबर फाइव फाइव कहाँ लिखा हुआ है इसमें फाइव यहाँ पर है फाइव से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे देन सेवन सेवन है ये ठीक है उसके बाद हम सेंटेंस रीड करते जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस नंबर टू रीड करेंगे तो हम यहाँ पर इसका आंसर पूरा पेंसिल से लिख देंगे ठीक है बच्चों सो आई एम रीडिंग सेंटेंस नंबर वन फ्रॉम डाउन ठीक है देखिए डाउन वाले जो वन थ्री फाइव सेवन जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो डाउन उनकी पोजीशन है और जो टू फोर सिक्स एट सेंटेंस है उनकी पोजीशन है एक्रॉस ओके मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी then you all will guess the place okay by yourself and you will fill this question in your book ये काम आप book में ही करेंगे ताकि आपकी practice हो जाए और अगर किसी का काम पहले से हुआ हوا है then आप उसको learn करेंगे revise करेंगे ठीक है number one sentence a place where computers are used to maintain fee records this is very simple इसमें एक word आ रहा है फ़ी आप मुझे बताइए कि फ़ीस कहाँ पे होती है आप लोग सब कौन सी जगह पे पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर आप अपनी फ़ीस भी पे करते हैं आपके पेरेंट्स फीस देते हैं उस फी का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है कि किस बच्चे ने किस मन की फ़ीस पे की है या नहीं की है और वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे सेव होता है कंप्यूटर में ठीक है आई होप आपको ये प्लेस समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी प्लेस है कौन सी जगह है हमें यहाँ पे जगह का नाम गैस करना है कौन सी जगह है जहाँ पर फीस का रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर्स में तो ये जगह है हमारा स्कूल ओके द नेम ऑफ द प्लेस इज़ स्कूल ओके सेंटेंस नंबर थ्री अ प्लेस वेर कंप्यूटर्स आर यूज़ टू मेनटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स पेशेंट्स कौन होते हैं जो लोग बीमार होते हैं और जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहाँ पर हमें मिलते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल्स में होते हैं और हॉस्पिटल एक प्लेस है ओके तो ये प्लेस नंबर थ्री पे कौन सी प्लेस है हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव किया जाता है ताकि जब हम सेकेंड टाइम हॉस्पिटल विज़िट करें तो हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद हो और डॉक्टर हमारी हिस्ट्री को इजीली देख सके ओके सेंटेंस नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव अ मशीन यूज़ टू विड्रॉ मनी आप लोगों ने बैंक भी ज़रूर देखे होंगे लेकिन आजकल सारे बच्चों ने एटीएम ज़रूर देखे होंगे ठीक है एटीएम पे हम जाते हैं अपना कार्ड हम इंसर्ट करते हैं और हम पैसे उसमें से निकाल लेते हैं पैसे निकालने को क्या कहते हैं मनी विदड्रॉ करना ठीक है तो वो एक मशीन होती है जिसका नाम क्या है एटीएम जिसका नाम क्या है एटीएम ओके तो यहाँ पर हम नंबर फाइव में क्या लिखेंगे मशीन का नाम और उस मशीन का नाम है ए टी एम वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टी एम ऑटोमेटेड ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टी फॉर टेलर एंड एम फॉर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन पॉइंट नंबर सेवन अ प्लेस फेयर कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स ये बात भी मैंने अभी समझाई थी आपको कि बैंक भी एक प्लेस है जहाँ पर कस्टमर्स के अकाउंट की डिटेल्स सेव होती हैं कंप्यूटर में उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कस्टमर्स कौन जो यूज़ करते हैं बैंक में अपने पैसे रखवाते हैं ठीक है वो हैं बैंक के कस्टमर्स उनकी डिटेल्स के लिए उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बैंक में भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं तो नंबर सेवन में आप क्या लिखेंगे बैंक्स ओके नंबर टू कंप्यूटर्स आर यूज़ बाय डैश फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स अब कंप्यूटर्स को कोई और भी यूज़ करता है बुक्स को डिज़ाइन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए वो कौन होता है वो होते हैं पब्लिशर्स वो कौन होते हैं पब्लिशर्स यानी कि जो पब्लिशिंग करते हैं बुक्स की मैगजीन्स की न्यूज़पेपर्स की उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं उनको उनका प्रिंट निकालते हैं ठीक है जो आपकी कंप्यूटर की बुक है जिसमें ये मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो ये थ्रू कंप्यूटर ही प्रिंट हुआ है ना ये राइटिंग कोई इंसान की किसी की राइटिंग तो नहीं है ये तो कंप्यूटर की राइटिंग है ये सब कंप्यूटर पे टाइप हुआ है फिर प्रिंट आउट निकला है इसका तो ये पब्लिशर्स इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर टू सेंटेंस में पब्लिशर्स क्या लिखेंगे पब्लिशर्स यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम पेज नंबर थर्टी एट ओके अंडर द हेड पब्लिशिंग मैं ऐसे भी बता देती हूँ पी यू बी एल आई एस एच ई आर एस पब्लिशर्स नंबर फोर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मेल थ्रू अ कंप्यूटर 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 से हम मेल भेजते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ई मेल द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मेल थ्रू अ कंप्यूटर जब कंप्यूटर से हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ई मेल ठीक है ये आप नंबर फोर में लिखेंगे आप लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में ई e, जहाँ पे फोर लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे ई e, और आगे वाले बॉक्सेस में आप लिखेंगे एम ए आई एल मेल ओके नंबर सिक्स अपलेस वे कंप्यूटर्स आर यूज फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन मीन्स कि कब ट्रेन अराइव होगी और कब ट्रेन जो है वो स्टेशन को लीव करेगी और अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जर्नी स्टार्ट करेगी अपना ठीक है तो यहाँ पर एक हिंट हमें मिली हुई है ट्रेन ट्रेनस कहाँ होती हैं एयरपोर्ट पे होती हैं या रेलवे स्टेशंस पे होती हैं अब आप ख़ुद समझदार हैं नंबर सिक्स में कौन सी प्लेस का नाम आएगा अब आपको सोचना ये है कि ट्रेनस कहाँ पे होती हैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशनस नंबर एट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लाइवली कार्टून्स ये एक और प्रोसेस की बात हो रही है हम सब कार्टून्स बहुत शौक़ से देखते हैं और हमने मिस्टर बीन का भी कार्टून बहुत ज़्यादा शौक़ से देखा है मिस्टर बीन का जो कार्टून है वो बिल्कुल मिस्टर बीन जैसा है और वो सारे एक्ट करता है वो चलता भी है खाता भी है सोता भी है ठीक है घूमता फिरता भी है तो वो कार्टून जो है वो है एक, एक एनिमेशन मीन्स एक कैरेक्टर को हमने क्या किया है उसको हमने मूवमेंट में ले आए हम उसको वो कैरेक्टर मूव करता है उसको हम कहते हैं एनिमेशन उसको हम क्या कहते हैं एनिमेशन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लाइवली कार्टून्स इसको कहते हैं एनिमेशन ओके ए एन आई एनी एन ए टी आई ओ एन एनिमेशन ए एन आई एम ए T I O N animation. Okay. Listen the video very carefully and try to fill these boxes. Okay. Thank you.